नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में PHCL लाइनमैन रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ स्टेट जो बिजली वितरण कंपनी है उसके अंतर्गत लाइनमैन यानी लाइन अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि PHCL लाइनमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, PHCL लाइनमैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, PHCL लाइनमैन का सिलेबस क्या रहेगा, PHCL लाइनमैन की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट भी हैं वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिया है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, CSPHCL अटेंडेंट यानी लाइनमैन वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी CSPHCL ने अटेंडेंट यानी लाइनमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार CSPHCL ने लाइनमैन के 1500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त से 20 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से CSPHCL में CSPHCL लाइनमैन वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम CSPHCL अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यानी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके आज से भरने शुरू हो रहे हैं। आप 20 सितंबर तक इसके फॉर्म है वो भरकर जमा करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भर के भेजते हो तो या फिर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आपके वैकेंसी है उसकी बात कर लेते हैं, वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें तीन जगह आपकी वैकेंसी निकली है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनंदगांव। इसके अलावा जगदलपुर और अंबिकापुर। अगर बात करें इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में तो इसमें जनरल की बात करते हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनंदगांव में 609 पोस्ट है जनरल की। SC की 162 पोस्ट है, ST की 259 पोस्ट है, OBC की 170 पोस्ट है। तो टोटल 1200 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन वो मांगे गए हैं। बात करें कि जगदलपुर के लिए जनरल की 18 पोस्ट है, 5 पोस्ट है वो SC की है, ST की आपकी 83 पोस्ट है, OBC की 32 पोस्ट है, टोटल 138 पोस्ट है। अंबिकापुर में जनरल की 41 पोस्ट है, SC की 7 पोस्ट है, ST की 84 पोस्ट है, OBC की 30 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 162 पोस्ट है। अगर कुल मिलाकर अगर सभी की बात करें तो आपसे 1500 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ये तो हो गई आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड से 10वीं कक्षा या फिर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जो उम्मीदवार है वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी होना चाहिए। यानी एक तो आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले होने चाहिए यानी आपका डोमिसाइल है वो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। साथ में अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड से की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो इन पदों को अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम आयु वो 18 वर्ष आपकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी मैक्सिमम आयु वो 40 वर्ष आयु आपकी अधिकतम हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है आयु में वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अगर आप ये छूट देखना चाहते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट मिलती है तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी वो आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें
की इंपोर्टेंट डेट क्या गया है। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो सी एच पी सी एल की जो वैकेंसी है लाइनमैन अटेंडेंट की, उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 21 अगस्त से आपके, यानी आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में कि आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है, यानी आपको 20 सितंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर के जमा कर देना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर डाउट क्या होते हैं, एक तो ये डाउट होता है कि क्या सर अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डोमिसाइल है वो अगर आपका छत्तीसगढ़ का नहीं है, और अगर आपने 10वीं 12वीं क्लास छत्तीसगढ़ बोर्ड से नहीं की है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकोगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस और 300 रुपये फीस आपकी रखी गई है इसमें, यानी अगर आप छत्तीसगढ़ के जनरल और ओबीसी के कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको 300 रुपये पे करना होगा। एससी और एसटी के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये आपकी फ़ीस है वो रखी गई है, यानी एससी और एसटी के उम्मीदवारों को 200 रुपये आपको फ़ीस का भुगतान करना होगा। बात करें फीस का भुगतान करने की, तो फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको अपनी फीस का भुगतान करना है, जैसे इसमें डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप फीस का भुगतान कर सकोगे। अब बात करते हैं इसमें सी एस पी एच सी एल लाइनमैन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उम्मीदवारों का चयन है वो कक्षा 10 के अंकों और संबंधित क्षेत्र में अनुभव के आधार पर होगा। इसके अलावा एक पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को शारीरिक पात्रता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयन के समय कंपनी वो 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों को 70% और जो आपका कार्य का अनुभव उसको 30% वेटेज वो दिया जाएगा। यानी अगर आपकी मान लीजिए 100 अंकों पर अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो इसमें से आपके जो वेटेज है 70% वो आपका जो 10वीं में जो मार्क्स आए आपके प्रतिशत उसका लगेगा, और बाकी 30% वेटेज आपका लगेगा वो आपका एक्सपीरियंस का होगा। यानी वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास कोई, तो उसका आपको यहाँ पे 30% वेटेज है वो दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्या सिलेक्शन होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा ना ही कोई पेपर होगा। तो ये नौकरी बिल्कुल आसान इसे आपको मिल जाएगी अगर आपके 10वीं में अच्छे प्रतिशत है, और अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आईटीआई का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। इसमें सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सी एस पी एच सी एल अटेंडेंट की सैलरी क्या रहेगी, यानी सी एच पी एच सी एल जो लाइनमैन की सैलरी है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो आपकी सैलरी वो 14,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से शुरू होगी, और इंक्रीमेंट होते होते 33,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको एक फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सी एस पी एच सी एल लाइनमैन यानी अटेंडेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, और ये बिजली बोर्ड की लेटेस्ट वैकेंसी है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि सी एस पी एच सी एल अटेंडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सी एस पी एच सी एल लाइन अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सी एस पी एच सी एल अटेंडेंट की सैलरी क्या होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में हुई थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।